वेलकम टू सोनी विजन लीगल चैनल। आज की पेटेंट सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पेटेंट के प्रोसेस को खुद कंप्लीट कर सकते हो और पेटेंट को खुद फाइल कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर पेटेंट के चार ऑफिस हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। वापस नोट डाउन कर लो, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, चार ऑफिस होते हैं पेटेंट के। अब पेटेंट फाइल करने का प्रोसेस दो तरीके से, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। अब ये आपके ऊपर है, आप ऑनलाइन चूज करते हैं ऑफलाइन चूज करते हैं। ऑफलाइन चूज करोगे तो पेटेंट ऑफिस के बार बार धक्के खाने पड़ेंगे। सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन ऑनलाइन। इंडिया में कहीं भी बैठ के ना पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो ऑनलाइन। बहुत इजी काम है, बहुत सिंपल काम है, कोई कॉम्प्लिकेट काम नहीं है, बस काम को करना आना चाहिए। अब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा पेटेंट के। देखिए, सबसे पहले पेटेंट सर्च रिपोर्ट, इसके बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो को जाकर चेकआउट करो। पेटेंट सर्च रिपोर्ट क्या होती है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। अब सर्च रिपोर्ट बनाने के बाद अगर आपका एजेंट अप्रूवल देता है कि पेटेंट रजिस्टर्ड हो सकता है, चांसेस अच्छे, तो फिर पेटेंट फाइलिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्म वन। फॉर्म वन क्या होता है, इसके अंदर एप्लीकेशन प्रिपेयर करी जाती है, सारी डिटेल्स डाली जाती है आपके बारे में, कंपनी के बारे में, पेटेंट के बारे में, और 5 पेजेस का होता है। फिर आता है फॉर्म टू, इसमें इन्वेंशन के बारे में डाला जाता है, डायग्राम्स हो गए, स्पेसिफिकेशन हो गए। ये 1 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, डायग्राम, प्रैक्टिकल वर्किंग, ये सब डालने के बाद फॉर्म 3 भरा जाता है। इसके अंदर स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग डाली जाती है अंडर सेक्शन 8। फॉर्म 5 के अंदर डिक्लेरेशन दी जाती है एज टू इन्वेंटरशिप। अब ये क्या होता है, इसके अंदर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है इन्वेंटर कौन है। अब देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल है, आपने ही बनाया तो आप इन्वेंटर हो गए। आप एक इंडिविजुअल है, आपने इन्वेंशन नहीं करी है, किसी को पैसा देके खरीदा है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, अब कंपनी के नाम पे पेटेंट रजिस्टर्ड हो रहा है, कंपनी कभी इन्वेंशन करती है नहीं करती है, वो किसी एम्प्लॉय से, किसी पर्सन से करवाती है, तो वो सारा डेटा और डिटेल्स डालनी पड़ती है। फॉर्म 28 आता है। अब ये किस लिए होता है, देखिए, अगर आप एक स्टार्टअप और स्मॉल एंटिटी है, क्या है स्टार्टअप या स्मॉल एंटिटी, तो 80% रेमेडी आपको मिलती है गवर्नमेंट फीस के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना, ये काफी अच्छा फायदा है आप लोगों के लिए। देखिए, जैसे ही आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो, जर्नल के अंदर पब्लिश होने में 18 मंथ्स लगते हैं। जर्नल मतलब एक पब्लिक डोमेन होता है, एक आप न्यूज़पेपर टाइप कह सकते हो, कि जहां पे जाके पब्लिक चेक कर सकती है, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वहां पे वो रेज कर सकते हैं। तो अराउंड जैसे ही आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो, 18 मंथ्स लगते हैं जर्नल में पब्लिश होने के लिए। अब अगर किसी को जल्दी हो तो, कि नहीं मुझे तो आज ही पब्लिश करवाना है, जल्दी पब्लिश करवाना है, तो इसकी एडिशनल फी लगेगी फॉर्म 9 के अंदर, वो फीस जमा करी जाती है, और उसके बाद 1 मंथ में ही आपका पेटेंट एप्लीकेशन जर्नल के अंदर पब्लिश कर दी जाती है। और देखिए, जर्नली पेटेंट को रजिस्टर्ड होने में 4 से 5 साल का समय लगता है, बट जैसे ही आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो ना, आपका राइट क्रिएट हो जाता है, रजिस्ट्री आपको टेम्पररी नंबर देती है। ये वैसे ही होता है जैसे हम शोरूम से कार लेके नीचे उतरते हैं ना, उस समय परमानेंट नंबर नहीं आता है, 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए टेम्पररी नंबर आता है, वो वैलिड होता है जब तक परमानेंट नंबर ना आ जाए। तो ये आपके लिए एक वैलिड नंबर है, इस चीज का ध्यान रखना। और पेटेंट का कोई रिन्यूअल नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। पेटेंट आपको 20 इयर्स के लिए ग्रांट होता है। एक बार पेटेंट एक्सपायर हो गया, 20 साल बीत गए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट। इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पेटेंट में आपको जो 20 इयर्स का राइट दिया जाएगा ना, वो फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया जाएगा, नॉट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब मैंने 2011 में मेरी एप्लीकेशन फाइल करी, 2018 के अंदर जाके मेरा पेटेंट रजिस्टर्ड हुआ, तो 2011 में आपको 20 साल ऐड करने, ना कि 2018 में। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। जैसे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपका पेटेंट पब्लिक डोमेन के अंदर आ जाएगा, और पब्लिक में से उसको कोई भी यूज कर सकता है। बट हाँ, अब ऐसा नहीं होगा कि पब्लिक वाले उसको पेटेंट करवा ले, वो ऑलरेडी आपने इन्वेंशन कर दी, पब्लिक वाले उसको यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन यूज कर सकती है, बट पेटेंट फाइल नहीं कर सकती सेम एप्लीकेशन का जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पेटेंट के बारे में और जानना है तो हमारी वेबसाइट sonisvision.in पे विजिट करो, वहां पे ब्लॉग सेक्शन है, ढेरों ब्लॉग्स हमने पेटेंट्स के ऊपर डाल रखे, प्रीमियम कंटेंट है, इंटरनेट पे ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सारे कंटेंट को आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां से आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और आपको फिर भी डाउट है, लाइव चैट का हमने ऑप्शन दे रखा है वेबसाइट के ऊपर, या मैं डायरेक्टली वेबसाइट के इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, मेरी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।